फिर वह कैसा और क्या करता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे सूर्य अंधकार और मेघ आदि का हनन करके अपरिमित अर्थात जिसका परिमाण न हो सके उस अपने तेज को प्रकाशित करके सब तेज वाले पदार्थों में बढ़ के वर्तमान है, वैसे विद्वान को सभा का अधीश मान के शत्रुओं को जीतें। अब ईश्वर और सभापति कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिसकी उपमा नहीं है, जो ईश्वर कारण से सब कार्य रूप जगत को रच और उसकी रक्षा कर उसका संहार किया करता है, वही इष्ट देव मानने योग्य है, तथा जो अतुल सामर्थ्य युक्त सभापति प्रसिद्ध न्याय आदि गुणों से समस्त राज्य को संतुष्ट करता है वह भी सदा सत्कार करने योग्य है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो उत्तम विद्वान अपनी सेना के पालन और शत्रुओं के बल को बिदारने में चतुर, शिल्प कार्यों को जानने वाला, सर्वप्रिय तथा युद्ध में आगे रहकर अत्यंत युद्ध करता है उसी को सेना का अधीश बनावे, फिर वह क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य शत्रुओं और समय को पाकर धनों को जीतने वाला, श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा करने वाला और दुष्टों को छिन्न भिन्न करने वाला हो वही सबको सेनाओं का अधीश मानना चाहिए, फिर वह कैसा है यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सब सेवकों की यह रीति हो कि जब उसका स्वामी जैसी आज्ञा करे उसी समय उसको वैसे ही करें और जो समग्र विद्या पढ़ा हो उसी से उपदेश सुनने चाहिए। इस सुक्त में शाला आदि के अधिपति, ईश्वर पढ़ाने वाले और सेनापति के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ से एकता है यह जानना चाहिए। यह 102वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 103वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से यह उपदेश है कि ईश्वर का कार्य जगत में कैसा प्रसिद्ध चिन्ह है। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस जगत में जो जो रचना विशेष युक्त अच्छी अच्छी वस्तु वर्तमान है वह सब परमेश्वर की रचना से ही प्रसिद्ध है, यह तुम जानो, क्योंकि ऐसा विचित्र जगत विधाता के बिना कभी बनाना संभव नहीं। इससे निश्चय है कि इस जगत का रचने वाला परमेश्वर है और जीव संबंधी सृष्टि का रचने वाला जीव है। अब इस जगत में परमेश्वर से बनाया हुआ यह सूर्य क्या काम करता है यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को यह देखना चाहिए कि प्रसिद्ध जो सूर्य लोक है वह मेघों के बिदारण, लोकों के आकर्षण और प्रकाश आदि कामों से जल वर्षा द्वारा पृथ्वी को धारण और अप्रकट अर्थात अंधेरे से ढपे हुए पदार्थों को प्रकाशित कर सब प्राणियों को व्यवहार में चलाता है। वह परमात्मा के बनाए बिना कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। अब सेना आदि का अध्यक्ष कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य समस्त डाकू, चोर, लबाड़, लंपट, लड़ाई लड़ने वालों का विनाश और श्रेष्ठ को हर्षित कर शारीरिक और आत्मिक बल का संपादन कर धन आदि पदार्थों से सुख को बढ़ाता है वही सबको श्रद्धा करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य काल के अवयव अर्थात संवत्सर, महीना, दिन, घड़ी आदि और जल को धारण कर सब प्राणियों के सुख के लिए अंधकार का विनाश करके सबको सुख देता है वैसे ही सेनापति सुखपूर्वक संवत्सर और कीर्ति को धारण करके शत्रुओं के विनाश द्वारा सबके लिए धन उत्पन्न करे। मनुष्यों को उससे कौन कौन काम धारण करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो श्रेष्ठ जनों के सत्य आचरण से प्राप्ति है उसी को धारण करें, उसके बिना सत्य और सब पदार्थों का लाभ नहीं होता, फिर वह कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो डाकू के समान ढीठ और साहसी चोरों के धन
आदि पदार्थों को हर, सज्जनों का आदर कर, पुरुषार्थी बलवान उत्तम से उत्तम हो, उसी को सेनापति करें। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। बलवान सेनापति द्वारा पुष्ट जीव और दुष्ट शत्रुजन मारे जाते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सूर्य के गुणों की उपमा के अनुसार अपने अपने गुणों द्वारा सेवादिकों और पृथ्वी आदि लोकों से उपकारों को ले और शत्रुओं को मारकर निरंतर सुखी हों। इस सूक्त में ईश्वर, सूर्य और सेनाधिपति के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 103वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 104 सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर सभापति क्या करे, यह उपदेश कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। न्यायाधीशों को चाहिए कि न्यायासन पर बैठ के चालू प्रसिद्ध शब्दों से अर्थी प्रत्यर्थी अर्थात वादी प्रतिवादी को अच्छी प्रकार समझाकर प्रतिदिन यथोचित न्याय करके उन सबको प्रसन्न कर सुखी करें। अत्यंत परिश्रम से आयु की अवश्य हानि होती है। इसको विचार कर बहुत शीघ्र जाने आने के लिए क्रिया कौशल से अग्नि आदि के प्रयोग द्वारा विमान आदि यानों को अवश्य रचें। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो प्रजा व सेना के जन सत्य की रक्षा के लिए सभा आदि के अधीशों की शरण को प्राप्त हों, उनकी ये यथावत रक्षा करें। जो विद्वान लोग वेद और उत्तम शिक्षाओं से मनुष्यों के क्रोध आदि दोषों को निवृत्त कर शांति आदि गुणों का सेवन करावें, वे सबको सेवन करने योग्य हैं। अब राजा और प्रजा परस्पर कैसे वर्तें, यह अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष व राजा के विरोधी प्रजा पुरुष हैं, ये दोनों निश्चय ही सुखोन्नति नहीं कर सकते। और जो राजपुरुष पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिए प्रजा पुरुषों को पीड़ा देके धन इकट्ठा करता तथा जो प्रजा पुरुष चोरी व कपट आदि से राज धन का नाश करता है, वे दोनों जैसे एक पुरुष की दो पत्नी परस्पर कलह करके क्रोध से नदी के बीच गिर के मर जाती हैं, वैसे ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इससे राज पुरुष प्रजा के साथ और प्रजा पुरुष राजा के साथ विरोध छोड़ के परस्पर सहायकारी होकर सदा अपना वर्ताव रखें। फिर वे कैसे वर्ताव वर्तें, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, अच्छे राज्य से प्रजा में सब सुख होते हैं और बिना अच्छे राज्य के दुख और दुर्भिक्ष आदि उपद्रव होते हैं। इससे वीर पुरुषों को चाहिए कि रीति से राज्य पालन करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अच्छा दृढ़ सुरक्षित घर चोरों व शीत गर्मी और वर्षा से मनुष्य और धन आदि पदार्थों की रक्षा करता है, वैसे ही सभापति राजाओं द्वारा अच्छी पाली हुई प्रजा इनको पालती है। जैसे कामी जन अपने शरीर धर्म विद्या और अच्छे आचरण को बिगाड़ता और जैसे पाए हुए बहुत धनों को मनुष्य ईर्ष्या और अभिमान से अन्यायों में फंसाकर बहाते हैं, वैसे उक्त राजा जन प्रजा का विनाश न करें, किंतु प्रजा के किए हुए निरंतर उपकारों को जानकर अभिमान छोड़ और प्रेम बढ़ाकर इन्हें सदा पालें और दुष्ट शत्रु जनों से डर के पलायन न करें। भावार्थ, सभापतियों द्वारा जो प्रजाजन श्रद्धा से राज्य व्यवहार की सिद्धि के लिए बहुत धन देवें, वे कभी मारने योग्य नहीं, और जो डाकू व चोर हैं वे सदैव ताड़ना देने योग्य हैं। जो सेनापति के अधिकार को पावे वह सूर्य के तुल्य न्याय विद्या का प्रकाश जल के समान शांति और तृप्ति कर अन्याय और अपराध का त्याग और प्रजा के प्रशंसा करने योग्य व्यवहार का सेवन कर राज्य को प्रसन्न करे। फिर इन दोनों को परस्पर कैसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, न्यायाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिए कि जिन्होंने अपराध न किया हो उन प्रजाजनों को कभी ताड़ना न करें, सदा इनसे राज्य कर लेवें तथा इनको अच्छी प्रकार पाल और उन्नत कर विद्या और पुरुषार्थ के बीच प्रवृत्त कराकर आनंदित करावें। सभापति आदि के इस सत्य काम को प्रजाजनों को सदैव मानना चाहिए। भावार्थ, हे सभापति, तू अन्याय से किसी को न मार के किसी भी धार्मिक
धार्मिक सज्जन से विमुख न होकर चोरी चकारी आदि दोष रहित होकर जैसे परमेश्वर दया का प्रकाश करता है वैसे ही